विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एजुसेट टेलीकास्ट के प्रायोजित कार्यक्रम में यूट्यूब पटल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रुड़ियावास मातनहिल से, कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 से बकस्य प्रतिकार है 7वां पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बकस्य प्रतिकार है अर्थात बगुले का बदला। इस पाठ में आप बगुले और गिद्धड़ के माध्यम से हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 7वां, बकस्य प्रतिकार है। एकस्मिन वने शृगालय बकय च निवसत सम, एकस्मिन एक वने वन में शृगालय गिद्धड़ बकह बगुला च और निवसत सम रहते थे। एक वन में गिद्धड़ और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, तयोः उन दोनों में, किन दोनों में, बगुले और गिद्धड़ में मित्रता मित्रता आसीत थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालय बकम अवदत, एकदा एक बार प्रातः प्रातः शृगालय गिद्धड़ बकम बगुले से अवदत बोला। एक बार प्रातः गिद्धड़ बगुले से बोला, मित्र स्व त्वम मया सह भोजनम कुरु, मित्र हे मित्र स्व कल त्वम तुम मया मेरे सह साथ भोजनम भोजन कुरु करो, हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्, शृगालस्य गिद्धड़ के निमंत्रणेन निमंत्रण से अर्थात बुलावे से बकः बगुला प्रसन्न प्रसन्न अभवत हुआ। गिद्धड़ के बुलावे से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत, अग्रिमे दिने अगले दिने दिन सह वह कौन बगुला भोजनाय भोजन के लिए शृगालस्य गिद्धड़ के निवासम निवास पर अर्थात घर पर अगच्छत गया। अगले दिन वह भोजन के लिए गिद्धड़ के निवास पर गया। आगे क्या होता है, कुटिल स्वभाव है शृगालय स्थाल्याम बकाय चिरोदनम अगच्छत। कुटिल स्वभाव है, कुटिल स्वभाव वाले श्रृगालय गिद्धड़ ने स्थाल्याम थाली में बकाय बगले के लिए चिरोदनम खीर अगच्छत दी। कुटिल स्वभाव वाले गिद्धड़ ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम अवदत च, बकम बगुले से अवदत बोला च और बगुले से बोला, मित्र हे मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सैव खादाव, अस्मिन पात्रे इस बर्तन में आवाम हम दोनों अधुना अब सैव एक साथ खादाव खाते हैं। हे मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब एक साथ खाते हैं। कौन सा बर्तन था प्यारे बच्चों, थाली, और थाली में बगुला खीर खा नहीं सकता क्योंकि उसकी चोंच लंबी होती है। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचु बगले की चोंच स्थालित थाली से भोजन ग्रहणे भोजन लेने में समर्था समर्थ नहीं अभवत हुई। भोजन करते समय बगले की चोंच थाली से भोजन लेने में समर्थ नहीं हुई। अतः बक केवलम चिरोदनम अपश्य, अतः इसलिए बक बगुला केवलम केवल चिरोदनम खीर को अपश्यत देखता रहा, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रह गया। श्रृगालय तू सर्वम चिरोदनम अभक्षयत, श्रृगालय गिद्धड़ तू तो सर्वम सारी चिरोदनम खीर अभक्षत खा गया, गिद्धड़ तो सारी खीर खा गया। अब आगे क्या होता है अगले गद्यांश में, श्रृगालीन वंचित बक अचिंतयत, श्रृगालीन गिद्धड़ के द्वारा वंचित ठगे गए बक बगले ने अचिंतित सोचा। गिद्धड़ के द्वारा ठगे गए बगले ने सोचा, क्या सोचा, यथा अनेन माया सह व्यवहार है कृत, यथा जैसे अनेन इसने माया मेरे सह साथ व्यवहार व्यवहार कृत किया है, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, तथा वैसे ही अहम मैं अपि भी तेन उसके सह साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा, वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। किसने सोचा प्यारे बच्चों, ये बगुले ने सोचा, किसके साथ करेगा, गिद्धड़ के साथ, कैसा, जैसा उसने उसके साथ किया। एवं चिंतयित्वा स श्रृगालम अवदत, एवं ऐसा चिंतयित्वा सोचकर स उसने
श्रृगालम गिद्दड़ से अवदत कहा, ऐसा विचार करके ऐसा सोचकर वह गिद्दड़ से बोला, मित्र हे मित्र, त्वम अपि स्वयं सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, त्वम अपि तुम भी स्वयं कल सायं श्याम को मया सह मेरे साथ भोजनम भोजन करिष्यसि करोगे। हे मित्र, तुम भी कल श्याम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगाल प्रसन्न अभवत्। बकस्य बगुले के निमंत्रणेन निमंत्रण से बुलावे से श्रृगाल गिद्दड़ प्रसन्न खुश अभवत हुआ। बगुले के बुलावे से गिद्दड़ बहुत खुश हुआ। अब अगले गद्यांश में क्या होता है, यदा श्रृगाल सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जब श्रृगाल गिद्दड़ सायं श्याम को बकस्य बगुले के निवासम निवास पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया, जब गिद्दड़ श्याम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकह संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत। तदा तब बकह बगुला संकीर्ण मुखे तंग मुंह वाले कलसे कलश में क्षीरोदनम खीर अयच्छत देता है। तब बगुले ने तंग मुंह वाले कलश में खीर दी। श्रृगालम च अवदत्। श्रृगालम गिद्दड़ से च और अवदत्त बोला, और गिद्दड़ से बोला, मित्र आवामस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुरुवा। मित्र हे मित्र, आवाम हम दोनों अस्मिन् इस पात्रे बर्तन में सहैव एक साथ भोजनम भोजन कुरुवा करते हैं। हे मित्र, हम इस बर्तन में एक साथ भोजन करते हैं। बकह कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत्। बकह बगुला कलशात कलश से चंचवा चोंच के द्वारा क्षीरोदनम खीर अखादत खा गया। बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर खा गया। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्। परंतु लेकिन श्रीगालस्य गिद्दड़ का मुखम मुंह कल से कलश में नहीं प्राविशत प्रविष्ट हुआ प्रवेश हुआ, लेकिन गिद्दड़ का मुंह कलश में प्रविष्ट नहीं हुआ, अर्थात गिद्दड़ का मुंह सुराई के अंदर नहीं गया। अतः बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः इसलिए बकह बगुला सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अखादत खा गया। इसलिए बगुला तो सारी खीर खा गया। श्रृगाल च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत्। श्रृगाल है गिद्दड़ चय और केवलम केवल ईर्ष्या ईर्ष्या से अपश्यत देखता रह गया। और गिद्दड़ केवल ईर्ष्या से देखता रह गया। अगला, श्रृगालम बकम प्रति यादृशम व्यवहारम है करोत। श्रृगाल गिद्दड़ ने बकम प्रति बगुले के साथ यादृशम जैसा व्यवहारम व्यवहार अकरोत किया था। गिद्दड़ ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बक अपि श्रृगालम प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारं अकरोत्। बक अपि बगुले ने भी श्रृगालम प्रति गिद्दड़ के साथ तादृशं वैसा ही व्यवहारं व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारं बदला अकरोत् ले लिया चुका दिया। बगुले ने भी गिद्दड़ के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला चुका दिया, अर्थात अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि कहा भी है, आतम दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, तस्मात सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखयेषणा। अर्थात आतम दुर्व्यवहार से अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, बुरे व्यवहार का फलम परिणाम भवति होता है दुखदम, दुख देने वाला। अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का परिणाम हमेशा दुख देने वाला होता है। तस्मात तो फिर सुखैषणा सुख चाहने वाले मानवीन मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। एक बार फिर देखिए, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला होता है, तो फिर सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
अब हम इस पाठ में आए अभ्यास के द्वारा प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास में प्रश्न नंबर एक, उच्चारणम कुरुता, उच्चारण कीजिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ में आए सभी अव्यय शब्द हैं, इनका उच्चारण करेंगे हम और साथ ही हिंदी भी समझेंगे। यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, अत्र यहां, अन्यत्र दूसरी जगह, अन्य जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, स्व आने वाला कल, हय बीता हुआ कल, प्रातः प्रातः, अहर निशम, अह जमा निशम, अह माने दिन, निशा माने रात, दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं श्याम को। अगला प्रश्न दो, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चेत्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत। मंजूषा से उचित अव्यय शब्द चुन करके रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। इस मंजूषा में सभी अव्यय हैं और आने वाले वाक्यों में जो रिक्तस्थान है उनके अंदर इनमें से उचित अव्यय शब्द, उचित अव्यय पद लेकर के हमें रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। अद्य माने आज, अपि भी, प्रातः प्रातः, कदा कब, सर्वदा हमेशा, और अधुना अब। ब्रह्मणम स्वास्थ्य भवति, ब्रह्मण स्वास्थ्य के लिए होता है। कौन सा ब्रह्मण स्वास्थ्य के लिए होता है? प्रातः ब्रह्मण, तो हमारा शब्द रहेगा प्रातः। प्रातः ब्रह्मणम स्वास्थ्य भवति। सत्यम बद, सच बोलो, कब बोलो, हमेशा बोलो, तो सर्वदा, सर्वदा सत्यम बद। त्वं मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे, यानी पूछ रहा है कब जाओगे, तो आएगा कदा। त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेश विद्यालय गच्छति, अहम् तेन सह गच्छामि, दिनेश विद्यालय जाता है, मैं उसके साथ जाऊंगा या जाता हूँ, तो क्या रहेगा, मैं भी, अपि, अपि आएगा भी के लिए। और अगला वाक्य, विज्ञान से युग अस्ति, विज्ञान का युग है, कब है, आजकल है, अब है, तो अधुना, अधुना विज्ञान से युग अस्ति, आज विज्ञान का युग है, आजकल विज्ञान का युग है। रविवासर अस्ति, रविवार है, तो वर्तमान काल में कह रहा है, कब है रविवार, आज है, अद्य रविवासर अस्ति। अगला प्रश्न तीन, अधोलिखिता नाम प्रसन्ना नाम उत्तरम लिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, श्रीगालस्य मित्रम के आसीत, गिद्दड़ का मित्र कौन था, तो प्यारे बच्चों कौन था, गिद्दड़ का मित्र बगुला था, तो हमारा उत्तर होगा श्रीगालस्य मित्रम बकया आसीत, गिद्दड़ का मित्र बगुला था। अगला प्रश्न, स्थालित का भोजनम न अखादत, थाली से कौन भोजन नहीं खा सकता था, यानी थाली से किसने भोजन नहीं खाया, किसने नहीं खाया, बगुले ने नहीं खाया, तो उत्तर होगा स्थालित बकय भोजनम न अखादत, थाली से बोगले ने भोजन नहीं खाया। बक, अगला प्रश्न, बक श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बोगले ने गिद्दड़ के लिए भोजन में क्या दिया, क्या दिया था, खीर दी थी। उत्तर होगा बक श्रृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कल से शिरोदन में अयच्छत, बोगले ने गिद्दड़ के लिए भोजन में तंग मुंह वाले कलश में खीर दी। अगला प्रश्न, श्रृगालस्य स्वभाव किधर से भवती, गिद्दड़ का स्वभाव कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों कैसा होता है गिद्दड़ का स्वभाव, कठोर होता है, कुटिल होता है, तो हमारा उत्तर होगा श्रृगालस्य स्वभाव कुटिल स्वभाव है भवती, गिद्दड़ का स्वभाव कुटिल स्वभाव होता है। प्रश्न नंबर चार, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखित, पाठ से पदों को चुनकर नीचे लिखे का विलोम शब्द लिखिए। उदाहरण के द्वारा समझाया है, यथा जैसे शत्रु, शत्रु का विलोम शब्द इन्होंने दर्शाया मित्रम, अर्थात शत्रु का उल्टा मित्र। अब आगे भी इसी प्रकार, सुखदम, सुखदम का दुखदम, सुख देने वाला दुख देने वाला, शत्रुता, शत्रुता का विलोम पद होगा मित्रता, अप्रसन्न, अप्रसन्न का विलोम पद होगा पाठ के अनुसार प्रसन्न, दुर्व्यवहार है पाठ के अनुसार दुर्व्यवहार का विलोम पद होगा सदव्यवहार, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, सदव्यवहार अच्छा व्यवहार, सायम, सायम श्याम को, प्रातः, असमर्थ, असमर्थ का विलोम पद रहेगा समर्थ है,
5 मंजूषात समुचित पदानि चेत्वा कथां पूरयत्। मंजूषा से सही अर्थात उचित शब्द चुन करके कथा पूरी कीजिए। एक बार मंजूषा के शब्दों को हम देख लेते हैं और उनका हिंदी अनुवाद भी समझ लेते हैं। मनोरथ ही केवल चाहने से, पिपासित है प्यासा, उपायम उपाय, स्वल्पम बहुत थोड़ा, पाषाणस्य पत्थर के, कार्याणि कार्य, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट है संतोष, पातुम पीने के लिए, इतस्तत है इधर उधर, कुत्रापि कहीं पर भी। अब कथा में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम इस मंजूषा के पदों से करेंगे। एकदा एक काक आसीत, एक बार एक कौवा था। कौवा था कैसा था? प्यासा था। प्यासा था तो पिपासित है। एकदा एक काक पिपासित आसीत, स जलम पातुम अभ्रमत, वह जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए भटकता रहा। कहाँ भटकता रहा? इधर उधर भटकता रहा। तो इतस्ततः परम जलम न प्राप्नोत, लेकिन पानी नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? कहीं पर भी नहीं मिला। तो कुत्रापि, परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। अंते स एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे जलमासित, घड़े में जल था। कितना जल था? बहुत कम था। स्वल्पम घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में बहुत थोड़ा पानी था। अतः स जलम असमर्थ है अभवत, तो थोड़ा जल था तो वो क्या हुआ? इसलिए वह पानी असमर्थ हुआ। क्या, किस में असमर्थ हुआ? पीने में। तो पातुम, पातुम शब्द रहेगा हमारा यहाँ। स एकम अचिंतयत, उसने एक सोचा। क्या सोचा? उपाय सोचा। तो रिक्त स्थान रहेगा, रिक्त स्थान की जगह हमारा शब्द रहेगा उपायम। स एकम उपायम अचिंतयत, स खंडानी घटे अक्षिप्त, उसने टुकड़ों को घड़े में डाला। किसके टुकड़ों को डाला? पत्थर के टुकड़ों को डाला। तो पाषाणस्य, यहां हमारा शब्द रहेगा पाषाणस्य। एवं कर्मेण घटस्य जलम आगच्छत, इसलिए कर्म से घड़े का जल आ गया। कहाँ गया? ऊपर आ गया। तो ऊपरी काक है जलम पीतवा अभवत, कोवा पानी पीकर हो गया। क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट है। परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या सिद्ध होते हैं? कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, न तु न कि परिश्रम से सिद्ध होते हैं। किससे सिद्ध नहीं होते? केवल चाहने से सिद्ध नहीं होते। तो मनोरथ ही अंतिम और छठा प्रश्न आपका रहेगा। तत्सम शब्दान लिखित, तत्सम शब्दों को लिखो, अर्थात हिंदी के शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। यथा उदाहरण दिया है सियार, सियार की संस्कृत शब्द श्रीगाल। तो कोवा के लिए काक है, मक्खी के लिए मक्षिका, बंदर के लिए वानर है, बगुला के लिए बक है, चोंच के लिए चंचू, और नाक के लिए नासिका। प्यारे बच्चों ये था हमारा सातवां पाठ, बकस्य प्रतिकार। धन्यवाद।